1988 भारत सरकार के वित्त मंत्रालय एवं आयकर विभाग के तत्वाधान में आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स व आयकर अधिवक्ताओं की संगोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड रीजन कानपुर प्रमोद कुमार गुप्ता ने कहा कि आयकर विभाग का मुख्य उद्देश्य कर संग्रह एवं अधिक से अधिक कर निर्धारकों की संख्या को बढ़ाना है। उन्होंने कहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी अपेक्षाएं हमारे सामने रखें और हम भी उन्हें अपनी अपेक्षाओं से अवगत कराएं। इसी उद्देश्य को लेकर इस प्रकार का ब्राह्म जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झांसी के सुदूर होने के कारण यहां पहुंचने में देर लगी है, लेकिन यहां की परफॉर्मेंस देखते हुए कि यह कहा जा सकता है कि झांसी क्षेत्र आयकर के हिसाब से बेहतरीन परिणाम देगा। सर बताइए, आज झांसी में आपका क्या कार्यक्रम है और कैसे आपका आना हुआ? देखिए ऐसा है, हम अपने पूरे क्षेत्र अधिकार जी अपने वाह्य संपर्क अभियान को अच्छी तरह से चलाने के निमित्त आज झांसी पहुंचे हैं, क्योंकि झांसी हमारे मुख्यालय से थोड़ा दूर हो जाता है, इसलिए पूरे वित्तीय वर्ष में यहाँ आने में थोड़ी देरी हो गई। आए इसलिए हैं और आप लोगों से इसलिए बात कर रहे हैं। आप लोगों को हमने आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन हम आप धन्यवाद के पात्र हैं, यहाँ के जो हमारे CAs और एडवोकेट्स हैं जिन्होंने हमको आमंत्रित किया है, उन्होंने आपको बुला लिया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि मीडिया जो है वही हमारे संदेश वाहक है। हम जो बात लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, यदि आपका सहयोग नहीं होगा तो हम उन बातों को नहीं पहुँचा सकेंगे। इसे हम लोग अंग्रेजी में आउटरीच कहते हैं, हिंदी में इसका रूपांतर जो है वो बाह्य संपर्क है। उसी बाह्य संपर्क अभियान के तहत आए हैं, जहां आज हमारी एक बड़ी सभा यहां के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एडवोकेट्स जो इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करते हैं, जिन्हें हम अपना सबसे बड़ा स्टेक होल्डर मानते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उनके माध्यम से उन लोगों तक जो बातें हमें संप्रेषित करनी है वही कहने के लिए आए हैं। तो सीए को इससे क्या फ़ायदा हुआ और आम जनता को इससे क्या फ़ायदा हुआ? सीए को इससे फायदा और नुकसान की तो बात ही नहीं है जी। हमें अपनी बातों के द्वारा उनको अपने दायित्व उनकी जिम्मेदारियों का स्मरण कराना है जी। हमें उनको ये बताना है कि हमारी उनसे क्या अपेक्षाएं हैं, सरकार की उनसे क्या अपेक्षाएं हैं और वो हमसे क्या अपेक्षाएं रख सकते हैं जी। और पूरे वेस्टर्न यूपी और उत्तराखंड का इनकम टैक्स का सीनियर मोस्ट ऑफिसर होने के नाते हम उनको ये विश्वास दिलाना चाहेंगे कि वो जो अपेक्षाएं जिनकी बात हम कह रहे हैं कि ये अपेक्षाएं वो हमसे रख सकते हैं, ये मेरी तरफ से उनके लिए एक प्रतिज्ञा की तरह वो ले सकते हैं जी। तो ये समय क्या ये लोग आपकी अपेक्षाओं पे खड़े नहीं उतर रहे सर? ऐसा तो मैंने पिछले वाक्य का कतई ये मतलब नहीं जी, था जी, लेकिन अच्छी बातों का स्मरण करते रहना जरूरी होता जी, है जी, जी। सर तो ये किस तरह की अपेक्षाएं अभी तक आप कहीं पे भी गए होंगे? अपेक्षाएं ये देखिए ऐसा है, हमारा जो विभाग है हमारे मूल उद्देश्य दो है, कर संग्रह राजस्व संग्रह और अंग्रेजी में उसको बोलते हैं हम लोग वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस, कर निर्धारितियों की संख्या को बढ़ाना। नीचे नीचे भाई सबसे इन दो दिशाओं में मूल हमारे यही दो काम है। इन दो दिशाओं में जो हमारी उनसे अपेक्षाएं हैं उन्हें क्या करना चाहिए ठीक है, इसके बारे में उनसे संवाद करना है।